नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने 2 रुपये और 1 रुपये के नोटों के बारे में वीडियो बनाया और इन्हीं वीडियोस के साथ मेरे कॉइन्स और नोट्स के कलेक्शन के वीडियोस की श्रृंखला खत्म होती है। अब मुझे मेरे कलेक्शन के स्टैम्प्स के बारे में आपको बताना था, पर उससे पहले मैंने सोचा कि आपको मेरे कलेक्शन में और कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी दे दूँ। मैं कॉइन्स, नोट्स और स्टैम्प के कलेक्शन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की कलेक्शन करता हूँ, जैसे कि FDCs फर्स्ट डे कवर्स होते हैं, FFCs फर्स्ट फ्लाइट कवर्स, और आज के समय के पोस्ट कार्ड्स, एयरमेल पोस्ट कार्ड्स, आज़ादी के पहले के पोस्ट कार्ड्स, इनलाइन लेटर्स, पुराने एयर टिकट्स और ट्रेन टिकट्स के बारे में मैं आपको आज बताऊँगा। तो आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं कुछ स्टैम्प्स के बारे में। ये 3 स्टैम्प्स बहुत ही स्पेशल स्टैम्प्स हैं। ये तीनों स्टैम्प्स ब्रिटेन में जारी किए गए थे और ये स्टैम्प्स हवाई यात्रा यानी एयर ट्रैवल के सबसे सुनहरे दौर को दर्शाता है। ये स्टैम्प्स कॉन्कॉर्ड एयरलाइंस को समर्पित था। अगर आप नहीं जानते हैं तो कॉन्कॉर्ड दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक एयरलाइन कंपनी थी। कॉन्कॉर्ड ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट की एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट थी, जिसमें ये सुपरसोनिक प्लेन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे और ये प्लेन्स सबसे पहले 1969 में फ्लाइट भरी थी। कॉन्कॉर्ड सर्विसेज 1976 से लेकर 2003 तक चलती रही। ये फ्लाइट्स मार्क 2 स्पीड पे चलती थी, यानी साउंड के स्पीड से दुगनी स्पीड में। ये फ्लाइट्स ब्रिटिश एयरवेज, एयर फ्रांस और सिंगापुर एयरलाइंस चलाया करती थी। कॉन्कॉर्ड से सफ़र करना साधारण फ्लाइट से सफ़र करने से 30 गुना ज़्यादा महंगा था, फिर भी ये कंपनी लॉस में चल रही थी। इस कंपनी और इन फ्लाइटों की जब फाइनेंशियल वायबिलिटी देखी जा रही थी, तभी दुर्भाग्यवश साल 2000 में इसकी एक फ्लाइट एक्सीडेंट हो जाती है, जिसमें 100 से ज़्यादा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं और इसके बाद इन फ्लाइटों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट कवर्स की। फर्स्ट फ्लाइट कवर्स यानी FFC इनॉग्रल फ्लाइट्स के डेट को रिकॉर्ड करने के लिए भेजी जाती है। ये ऐसे एनवलप होते हैं जो कि अंदर में कुछ भी नहीं होता, पर इस एनवलप पे उस फ्लाइट के बारे में लिखा जाता है और उसके डेट को लिखा जाता है। स्टैम्प भी होता है और पोस्टल विभाग से उसके डेट को रिकॉर्ड किया जाता है। ये जनरली उस फ्लाइट की कंपनी के दोनों जगह पे स्थित ऑफिसों के बीच में भेजा जाता है। ये एयर इंडिया की US इंडिया नॉनस्टॉप फ्लाइट 14 अगस्त 1993 का FFC है। मेरे पास जो दूसरा FFC है वो पोप पॉल 6 के रोम से बॉम्बे आने के डेट को रिकॉर्ड करने के लिए भेजा गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस यात्रा को मार्क करने के लिए वैटिकन सिटी में जो पोस्टेज स्टैम्प्स जारी किए गए थे उनको लगाया गया है और ये FFC 2 दिसंबर 1964 के पोप पॉल 6 के भारत यात्रा को रिकॉर्ड करने के लिए जारी किया गया था। तो जैसा कि आपने देखा फर्स्ट फ्लाइट कवर्स के बारे में, वैसे ही फर्स्ट डे कवर होता है जिनको कुछ कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स के इनॉग्रल डे को रिकॉर्ड करने के लिए जारी किया जाता है। ये ऐसे एनवलप्स होते हैं जो कि अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं और इस पर वो कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स लगाए जाते हैं और एक GPO से दूसरे GPO को भेजा जाता है। ये कुछ स्टैम्प्स हॉट एयर बलून की यात्रा को दर्शाने के लिए जारी किए गए थे। ये FDC राइट ब्रदर्स के कार्य को कॉमेमोरेट करने के लिए जारी किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये FDC कोलकाता GPO से गुवाहाटी GPO भेजा गया था। ये तो हो गए इंडिया के FDCs, ये USA का FDC है और ये जर्मनी का। जनरली ये FDCs खाली हुआ करती, पर अगर आपको कुछ मिल जाए तो शायद ऐसा कुछ एक कार्ड मिल सकता है। फिर मेरे पास कुछ एयरलाइंस की टिकटें हैं। ये उन दिनों के एयरलाइन टिकट्स हैं जब कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे या कंप्यूटर का व्यवहार इतना प्रचलित नहीं था। ये सिंगापुर एयरलाइंस का टिकट है, ये कैथे पैसिफिक और ये गल्फ एयर का टिकट है। उन दिनों के एयर टिकट्स की खासियत यह होती थी कि ये सिर्फ एयर टिकट्स नहीं होते थे पर ये बोर्डिंग पास भी हुआ करती थी। कि उन दिनों एयर टिकट्स एयरलाइन कंपनी नहीं पर उनके ऑथराइज्ड एजेंट्स और सब एजेंट्स बेचा करते थे। पहले पेज पर नोटिस और कंडीशंस लिखे हुए थे, डिपार्चर इंफॉर्मेशन लिखा जाता था और
ये एक्चुअल में टिकट्स होती थी जो कि 3 या 4 कार्बन कॉपीज के साथ में आया करती थी। इन टिकट्स को बोर्डिंग पास भी माना जाता था और जगह जगह पर इनको टिकट बुकलेट से अलग करके रख लिया जाता था। पुराने समय में सीट एलोकेशन टिकट की बुकिंग के समय नहीं हुआ करती थी, तो एयरलाइन कंपनियां बोर्डिंग के समय में पैसेंजरों को ऐसे कार्ड दिया करती थी जिस पर एयरलाइन के सारे सीटों के बारे में ब्यौरा दिया जाता था और उस पैसेंजर की कौन सी सीट है वो लिखा जाता था। ये पोस्ट कार्ड भारत की आज़ादी के पहले की है। इस पर आप देख सकते हैं किंग जॉर्ज VI की तस्वीर वाली पोस्टेज स्टैम्प है और इस पोस्ट कार्ड के साथ में एक एक्नॉलेजमेंट भी है। ये पोस्ट कार्ड कुछ साल पहले तक व्यवहार में लाई जा रही थी। ये 25 पैसे में पाए जाते थे और ये एयरमेल पोस्ट कार्ड है जो कि काफ़ी पुराना है। 40 नए पैसे में इसे बेचा जाता था। आप में से बहुतों को याद होगा ये इनलाइन लेटर जो यहाँ पे टेक्स्ट हुआ करता था और इसे आप ऐसे मोड़कर पोस्ट किया जाता था। मेरे पास कुछ ट्रेन की टिकटें भी है जो कि लोकल ट्रेन्स में ये टिकट्स यूज़ हुआ करती थी। ये रिजर्वेशन की टिकट है और जब कोई रिजर्वेशन कैंसिल किया जाता था तब ये कैंसिलेशन टिकट भी यात्रियों को दिया जाता था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।